करने जा रहे हैं, क्या मांगे हैं जो आप आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी? मैं जीवी पटेल, केंद्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि क्या आवश्यकता पड़ी। निश्चित तौर पर आप अच्छी तरह भिज्ञ हैं कि जूनियर इंजीनियर और प्रोन्नत अभियंताओं का ये संगठन एकमात्र प्रतिनिधि संगठन है और पिछले 1.5 वर्षों से हम लोग विषम परिस्थितियों में लगातार दिन रात कार्य करते हुए अपने पावर कॉरपोरेशन का और सरकार का लगातार सहयोग कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना की महामारी में बहुत सारे लोग हमारे दिवंगत हुए, बहुत सारी दिक्कतें आईं, लेकिन हम लोगों ने अपने स्तर से सदैव कार्य को प्राथमिकता दी। कहीं कोई बाधाएं नहीं। हमारी संवर्ग की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन पर मैं बाद में आऊँगा। मैं ये आपको बता दूँ कि वर्तमान समय में जो जूनियर इंजीनियर लगातार कार्य कर रहा है, प्रोन्नत अभियंता हमारा कार्य कर रहा है, उसकी समस्याएं कार्य के लिए जो न्यूनतम आवश्यक संसाधन है उसकी उपलब्धता तक फील्डों में नहीं हो पा रही है और जिसके कारण सरकार की अपेक्षा के अनुरूप जो परफॉर्मेंस देना चाहिए वो देना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमने बार बार ध्यानाकर्षण किया, लेकिन वो मामला अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है और चीज़ें वैसे की वैसी ही बनी हुई है। और दूसरा, हमारी इस संवर की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, महत्वपूर्ण मांगे हैं, जिन पे हमारा 1 साल 1.5 साल पहले बकायदा समझौता हुआ, समझौता होने के बाद आदेश जारी हुए, लेकिन फिर भी उस पर उसका क्रियान्वयन न करके उसको शासन भेजा जा रहा है, चीज़ों को उलझाया जा रहा है। हमारे सीनियरिटी के मामले को, हमारे जो जूनियर इंजीनियर हैं उनके समयबद्ध वेतनमान, सहायक अभियंता का प्रथम समयबद्ध वेतनमान किए जाने और अन्य जितनी भी समस्याएं हैं इनको लेकर के हमारी कई बार चर्चा हुई, लेकिन कोई आदेश नहीं हो रहा है और केवल चीज़ों को उलझाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने इस दौरान लगातार अपने सकारात्मक सुझाव भी प्रबंधन को दिए, चाहे ERP की समस्याओं को लेकर के दिया, चाहे जो विद्युत थानों के परिचालन में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके संबंध में बताया, या अन्य समसामयिक विषयों पर लगातार प्रबंधन का को एक आवश्यक सुझाव भी देते रहे और सहमत के बावजूद भी उस पर आदेश निर्गत नहीं हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत पीड़ा का विषय है, जिसको लेकर के पिछले 26 जुलाई को हम माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से मिले, उसके बाद फिर अगले दिन ही हमारी 27 तारीख को ACS महोदय से मुलाकात हुई, उसके अगले दिन माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से मुलाकात हुई और उनको हमने अपनी पीड़ा बताई। लोगों सभी ने हमें आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी ही आपकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जाएगा, जो न्यायसंगत समस्याएं हैं जिसपे पहले भी सहमतियां बन चुकी हैं उसका निराकरण होगा, लेकिन निराकरण अभी तक नहीं हो रहा है और उल्टा बड़े पैमाने पर उत्पीड़न कार्रवाई हो रही है, जिससे पूरे प्रदेश में जूनियर इंजीनियर बहुत ही आक्रोशित हैं और इसी के विरोध में हमारा कल से ध्यानाकर्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। चरणबद्ध ध्यानाकर्षण प्रदेशव्यापी सारे विद्युत वितरण क्षेत्रों में, तापी परियोजनाओं में, जल विद्युत परियोजनाओं में और ट्रांसमिशन की परियोजनाओं पर शुरू हो रहा है। हम पहले मंडल स्तर पर ज्ञापन प्रेषण का कार्यक्रम करेंगे कल 7 तारीख को और फिर 8 तारीख से हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी ज्ञापन प्रेषण करेंगे और सरकार का ऊर्जा प्रबंधन का अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु ध्यानाकर्षण कराएंगे।